ब्रीफली मैं यहाँ पे एक और थ्योरी का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, विच इज़ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या है? वेल बेसिकली अगर मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, जो कि साइंटिफिकली ही रिपोर्ट हुई है, साइंस डायरेक्ट में फॉर एग्जांपल इसकी एक डेफिनेशन रिपोर्ट हुई है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द स्पीशीज देमसेल्व्स एग्जिबिट मॉर्फोलॉजिकल स्टेसिस एंड देन स्पीसिएशन, दैट स्पीसिएशन इज जियोलॉजिकली स्पीकिंग इंस्टेंटेनियस एंड इज अकॉम्पनीड बाई रैपिड मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट्स। कि हमारे पास जो जो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि जो स्पीशीज होती हैं ये मॉर्फोलॉजिकल स्टेसिस को एग्जिबिट करती हैं। स्टेसिस मींस कि मिलियंस, कई सौ मिलियंस ऑफ ईयर्स जो स्पीशीज़ हैं उनमें कोई तगैयर नहीं होता सिवाय माइनर चेंजेस के, यानी कि जिसमें मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट नहीं होती। मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट मींस के एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी में इवॉल्व हो जाना, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जियोलॉजिकल स्पीकिंग बड़े जल्दी एक इवोल्यूशन होती है और नई स्पीशीज़ वजूद में आ जाती हैं। Isn't that fantastic? Right. और फिर इसी की एक और डेफिनेशन हमें मिलती है स्पीसिएशन एंड बर्स ऑफ एवोल्यूशन में। ये रिसर्च पेपर का नाम है, जो इसका जर्नल है वो है एवोल्यूशन एजुकेशन एंड आउटरीच, जिसमें ऑथर्स कहते हैं कि दी थियोरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट एवोल्यूशनरी चेंजेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रैपिड एवोल्यूशन फॉलोड बाय लॉन्गर पीरियड ऑफ स्टेसिस इन विच नो चेंज अकर्स। नाउ ये बेसिकली पिछली स्लाइड की एक कंटिन्यूएशन है कि जिसमें वो कह रहे थे कि बड़े टाइम पे स्टेसिस होती हैं और उसके बाद फिर एकदम से इवोल्यूशन हो जाती है। इसमें वो कह रहे हैं कि वो एक बड़ी क्विक इवोल्यूशन होती है और उसके बाद फिर लंबा अरसा, कई सौ मिलियन को ये नहीं होता। बट अगेन इसकी एक और डेफिनेशन भी है, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, मैं उसको स्किप करना चाहूँगा। यू नो दी अगेन दी और ये जो डेफिनेशन है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है, लेकिन उसको स्किप करते हुए सवाल है कि वाई आखिरकार हमें इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वेल ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जिस आदमी ने बनाई है, वेल एक्चुअली मैं उसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये नाइल्स एलरिज और स्टीवन जे गोल्ड, ये लेजेंडरी पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ये तख्लीक है ये थ्योरी, और वो ये कहते हैं कि द थ्योरी द एवोल्यूशनरी ट्री दैट द अडोन आवर टेक्स्ट बुक्स हैव ओनली द टिप्स एंड नोड्स ऑफ देयर ब्रांचेस, द रेस्ट इज इन्फरेंस हाउ एवर रीजनेबल, नॉट द एविडेंस ऑफ फॉसिल्स। के हमारे पास कोई फॉसिल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये जो हमारे बड़े खूबसूरत एवोल्यूशनरी ट्रीज बने हुए होते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स में, ये ट्रीज के ऊपर जो हैं टिप्स एंड नोड्स, जो पत्तों के ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे हमने स्पीशीज़ रखी हुई है, लेकिन वो कोई फॉसिल का एविडेंस नहीं है, इसलिए कि उसके पीछे कुछ भी नहीं है। और चूंकि हमारी बात जो है यहाँ पे ये ह्यूमन एवोल्यूशन के हवाले से हो रही है, तो इसके बारे में देखते हैं कि स्टीवन जे गोल्ड क्या कहते हैं। वो ही सेज मोस्ट हॉमिनिड फॉसिल्स इवन दो दे सर्व एज अ बेसिस फॉर एंडलेस स्पेकुलेशन एंड एलैबोरेट स्टोरी टेलिंग आर फ्रेगमेंट्स ऑफ जॉज एंड स्क्रैप्स ऑफ स्कल्स। के हमारी जो बड़ी एलैबोरेट किस्म की स्टोरी टेलिंग चल रही होती है, बड़ा बताते हैं कि हम ये जो जिन्नों परियों की कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि फिर ऐसे एवोल्यूशन हुई, ये स्पीशी आई, वो आई, हकीकत यह है कि फॉसिल रिकॉर्ड पे हमने बड़ा कुछ कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ कुछ टूटे हुए जबड़ों और कुछ पोसीदा सी खोपड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मेटाफोरिकली कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इतनी काम की चीज़ नहीं है। नोट कीजिएगा यहाँ पे उन्होंने जब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो होमिनिड किया है, होमिनिन नहीं किया। होमिनिन इज़ टू से कि जो हमारी जो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, जिसमें एर्गेस्टस है या एरेक्टस है या नियंदरथल्स एंड सो फोर्थ, वेयरएज जब हम होमिनिड की बात करते हैं तो उसमें मजमूई तौर पे जो हमें जो इवोल्यूशनिस्ट का ख्याल है कि जिसमें एप्स, गोरिल्लास, बोनोबोस, चिंपैंसीज, यू नेम इट, ये सारे के सारे होमिनिड में हैं, तो वो सिर्फ होमिनिन की बात नहीं कर रहे बल्कि होमिनिड की बात कर रहे हैं कि जो मजमूई तौर पर तासुर है कि हम एप से इवोल्व हुए हैं, कुछ भी हमारे पास फॉसिल में करार वाकई नहीं है। सो रिजल्ट क्या है कि फॉसिल रिकॉर्ड तो हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस नहीं देता। अब मेरे पास तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं, जिसमें मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं गालिब साहब के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि अगर फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म की थ्योरी ठीक है तो फिर हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें वो फॉसिल रिकॉर्ड दिखा दें जो आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें वो जो हमें ग्रेजुअलिज्म नज़र आता हो कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ इवॉल्व होते होते मौजूदा इंसानों तक आ गई। और अगर आप ग्रेजुअलिज्म को नहीं मानते, आप पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को मानते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फॉसिल रिकॉर्ड है ही नहीं, कम से कम मीनिंगफुल फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। वेल इन दिस केस अगर आपके पास फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो हमें आपकी बात मानने की ज़रूरत ही क्या है। आप एक मान लें या दूसरी मान लें, आई बी वेरी मच इंटरेस्टेड के आप किस तरफ जाते। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट स्पीशीज देमसेल्व्स एग्जिबिट मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस स्टेसिस एंड द स्पीसिएशन इन जियोलॉजी जियोलॉजिकल जियोलॉजिकली स्पीकिंग इंस्टेंटेनियस एंड इट इज अकम्पेन्ड बाय रैपिड मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट। इसके अंदर तो मुझे कोई एतराज ही नजर नहीं आ रहा, इसमें एतराज क्या, कैसे साहब इसमें कोई एतराज नहीं है, सिर्फ ये कहा, ये सिर्फ एक
सिर्फ ये बताया गया है कि ये जो थ्योरी है ये बात करती है, बस इसमें कोई इतराज तो बन नहीं रहा, ठीक है। फिर दूसरा गोल्ड की आपने नाम लिया था, एवोल्यूशनरी ट्रीज दैट अडजर्न आवर टेक्स्ट बुक्स हैव द डेटा ओनली एट द टिप्स ऑफ द नोड्स ऑफ देयर ब्रांचेस, द रेस्ट इज इन्फरेंस हाउएवर रीजनेबल नॉट द एविडेंस ऑफ फॉसिल्स। तो मेन बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया था कि आजकल मैश अप्रोच है, मैश अप्रोच जो है वो जेनेटिक ट्रीज को उस तरह से कंस्ट्रक्ट करने में नहीं मानते कई साइंटिस्ट, ठीक है। उनके इतराज अपनी जगह सही है, वो इस बात को क्वेश्चन करते हैं कि ये ट्री यूं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो ये डिनाई नहीं करते कि इंसान का कॉमन डिसेंट नहीं है। इंसान का कॉमन डिसेंट तो